जी की किताब ग्राम स्वराज पर विनोबा भावे ने लिखा है कि आगे आने वाले दिनों में ग्राम एक इकाई होगा और दुनिया में सरकारें उस ग्राम के लिए सर्विस देने के लिए, तो एक ग्राम स्वराज होगा और एक विश्व सरकार होगी, बीच की सरकारें गायब हो जाए। तो जब आप छोटे स्टेट की बात कर रहे हैं तो विनोबा भावे जी एक ऐसे स्टेट की तरफ इशारा करते हैं, या गांधी जी, कि जो एक गांव में ही सह टिका हो। पूर्व में अगर देखोगे स्वतंत्रता के समय तो 540-550 रजवाड़े भारत में थे जो एक किए गए, कमोबेश 150-200 बांग्लादेश जो आज का है या पाकिस्तान में उसमें थे, जो वहाँ भी एक किए गए, 600-700 रजवाड़ों को तोड़ के एक देश बनाया गया। तो अगर छोटे स्टेट अहमियत रखते तो इतने बड़े देश की जरूरत नहीं। आज 600-700 में से 3 देश बचे हैं। इसका मतलब है कि कुछ जगह छोटों का अहमियत नहीं है विकास के लिए, वह अपने को मुख्यमंत्री साबित करने के लिए, अपने को चीफ सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी बनाने के लिए, या एक शहर में जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए, या खास मुद्दा हम नहीं सुलझा पा रहे हैं तो लोगों को झूठा भ्रम, झूठी आशा देने की कि राजधानी बन जाएगी तो छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास हो जाएगा, झारखंड के लोगों का विकास हो जाएगा, क्योंकि भारत एक यूनिट में इनका विकास करने में असमर्थ साबित हुआ। नया स्टेट बनाना ये दिखाता है कि पुराना स्टेट असमर्थ हुआ है। अगर पुराना स्टेट असमर्थ हुआ है तो उसके कारण देखना होगा, ना कि नया स्टेट बना के। एक पहले ही अक्षम था, अब 2 कर दिए तो अक्षमता बढ़ गई, कहीं ऐसा तो नहीं, पैसा तो उतना ही था। तब स्टेट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आज प्रश्न इस पे उठ रहा है। छोटे स्टेट की तो बात दूसरी, स्टेट में ताकत नहीं होती। कश्मीर में बाढ़ आई, कश्मीर का प्रशासन मुख्यमंत्री से लेके छोटा बाबू तक अपने को असमर्थ पाया। केंद्र ने कुछ दिन काम किया और फिर छोड़ दिया मरने के लिए या अपने से खड़े होने के लिए। ऐसा लगा जैसे कि वो भारत का हिस्सा ही ना हो, ना पाकिस्तान का, ना अमेरिका का। आपने बेसिक हमदर्द दिखाया और उसका प्रचार प्रसार किया, जबकि आपका अपना ही हिस्सा है। अगर दिल्ली में कुछ आया होता तो पूरा देश उसमें लगता। आसाम, मणिपुर वगैरह में बाढ़ आई, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया कि वो स्टेट का मैटर है। तो एक कमोबेश अपने को बेवकूफ बनाने का ही तरीका कि हम समुचित विकास करने में अक्षम हैं, तो कल के दिन बुंदेलखंड, बघेलखंड, हरित प्रदेश, विदर्भ और ऐसे कई राज्य प्रदेश बना सकते हैं। आप देखोगे कि अंग्रेजी राज्य में थोड़ा पुराना, चाहे हम उससे विरोध करते हो, यहाँ 5-7 स्टेट होती थी और सरकार तो एक ही थी। वह वहाँ पे सिर्फ एक ऑफिस का काम करता था जो केंद्र के ऑर्डर बजाता हो। रेलवे भी देख लो, 5-7 जगह जोनल ऑफिस हैं। स्टेट की जरूरत ही है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है आजकल। बदल जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता लोगों को, और दिल्ली जैसे जगह में स्टेट ना ही हो तो अभी ठीक चलता, चंडीगढ़ में भी कमोबेश चल ही रहा है। तो छोटे स्टेट हमारी अक्षमता को ही दर्शाते हैं, और अगर छोटे करना ही है तो विनोबा भावे का स्टैंड बहुत अच्छा लगता है कि एक गांव अपने में सेल्फ सफिशिएंट हो, और एक बहुत बड़े राष्ट्र की भी जरूरत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकार, जो उनका सपना है कि शायद ऐसा होगा। हम उस सपने से इनकार नहीं करेंगे क्योंकि वह उनका सपना था। चीज़ें कैसे होंगी भाई, उन्होंने देखा हो वो बताएंगे, लेकिन ऐसी सोच भी आई है इसके बारे में तो हम कह ही सकते हैं। आपका प्रश्न फिर से कि स्टेट हमको भारत में रीऑर्गेनाइज करने होंगे, रीडिफाइन करने होंगे, कि इतने की ही जरूरत है या 540 जो हम सांसद करते हैं उतने स्टेट बना दिए और वो अपनी अपनी एक चीज है, तो क्या वो फिर जैसी रियासतों जैसी हाल तो नहीं हो जाएंगे, या वो गांधी जी और विनोबा भावे का जो सपना है उसकी तरफ अग्रसर होंगे, उस बारे में एक चर्चा करके निर्णय लेना हो। अगर आप मेरे से ही पूछ रहे हैं तो क्या जरूरी है, तब बात अलग होगी। तो मेरा सोचना यह होगा कि आपको सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्न स्मॉलर यूनिट या ब्लेज लेवल पे बनाने होंगे,
और जो सीधे राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हो। तो आप स्टेट की बात करते हैं, तो एक छोटा गांव एक स्टेट है जो अपना टैक्सेशन रखे, अपनी इनकम रखे और कुछ हिस्सा केंद्र को दे। बीच के स्टेट की जरूरत नहीं है, सिवाय एक बीच का ऑफिस बनाने के लिए, उसमें अलग से गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। जैसे आज अगर देखो 30 ऊर्जा मंत्री, 30 जल संसाधन मंत्री क्या निर्णय लेते हैं, एक लाल बाड़ी एक मकान 20-30-50 लाख 2-4 करोड़ रुपए रिश्वत के 5 साल, इससे ज़्यादा की उनकी औकात नहीं बची है। काम करने में वो अपने को असहाय पाते हैं, चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई हो। तो इस बारे में एक बृहद चर्चा की जरूरत है।